सालों पहले एक किंगडम हुआ करता था, खुशियों से भरपूर एक किंगडम। इस किंगडम के किंग और क्वीन की बस एक ही इच्छा थी कि उनका एक बच्चा हो। किंग और क्वीन दोनों बड़े दयालु लोग थे, तभी तो उन्हें भरोसा था कि उनकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे। और बहुत जल्द एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनकी जिंदगी में एक प्यारी बेटी आई। बच्ची के चेहरे में सूरज की रोशनी जैसी चमक थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा प्रिंसेस अरोरा, यानी उजाला। अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी। पार्टी में सबको बुलाया गया था, सुनहरे जंगल में रहने वाली परियों को भी। किंग और क्वीन से एक गलती हो गई थी, एक परी को बुलाना तो वो भूल ही गए। पूरे किंगडम से लोग आए और आसपास के किंगडम्स के किंग्स और क्वींस भी अरोरा को अपनी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देने आए। और फिर बारी आई उन 12 परियों की। उन्होंने अरोरा को बहुत एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स दिए। अपने मैजिक वॉन्ड से उन्होंने उसकी हर विश पूरी होने का गिफ्ट दिया। आखिर में सिर्फ 3 फेरीज बची। दुनिया की हर खुशी से तुम्हारा जीवन भरा रहेगा, तुम हमेशा खुश रहोगी और गम तुम्हारे आसपास कभी नहीं आएगा। जैसे ही आखिरी परी की बारी आई, कुछ अजीब सा हुआ। सभी तरफ हरे रंग का धुआं फैलने लगा। और धुएं से निकली एक काली परी। किंग ने पूछा, ये कौन है जिसने सेलिब्रेशंस को रोक दिया? तीनों परियों ने बताया कि ये कठोर दिल वाली काली परी है। महाराज, आपने अपनी खुशी में सबको बुलाया, परियों को भी बुलाया, पर मुझे क्यों नहीं? किंग ने काली परी से माफी मांगी। महाराज, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर अब जब मैं आ ही गई हूँ तो बच्ची को तोहफा दिए बिना कैसे जा सकती हूँ? राजकुमारी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, बहुत सारा पैसा रुपया होगा, लेकिन इसके 16वें जन्मदिन पर सूरज के ढलने से पहले इसे एक सुई चुभेगी, जिससे इसकी मौत हो जाएगी। इस दुष्ट को कैद कर लो, किंग भड़क के बोले, पर काली परी हंसते हुए गायब हो गई। अभी तक आखिरी परी ने अपना गिफ्ट नहीं दिया था। वो काली परी जितनी पावरफुल नहीं थी, पर उसके ब्लेसिंग से काली परी के श्राप का असर कम हो सकता था। मैं काली परी की कही बात को काट तो नहीं सकती, पर उसके असर को कम जरूर कर सकती हूँ। राजकुमारी की मौत तो नहीं होगी, पर सुई चुभने से वो गहरी नींद में सो जाएगी और तब तक सोती रहेगी जब तक उसे प्यार करने वाला उसके माथे को किस ना कर दे। किंग ने इस श्राप से बचने के लिए हुक्म दिया कि सुई या उस जैसी कोई भी चीज नष्ट कर दी जाए। परियों के गिफ्ट से प्रिंसेस अरोरा बहुत खूबसूरती से बड़ी हो रही थी। एक दिन किंग ने आदेश दिया तीनों परियों को अरोरा का ख्याल रखने के लिए। ये जरा मुश्किल हो गया, क्योंकि अरोरा किसी के भी हाथ नहीं आती थी। पर उनकी मदद से अरोरा बहुत सुंदर युवती हो चली। देखते ही देखते प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे आ गया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच होने वाला था। किंग और क्वीन ने सब कुछ किया ताकि ऐसा ना हो,
पर उनके बस में सब कुछ कहाँ था? उन्होंने प्रिंसेस को एक कमरे में बंद कर दिया उसके भले के लिए। अरुरा को इसकी वजह नहीं मालूम थी और उसे बुरा लगा। अचानक एक दरवाजा कहीं से प्रकट हुआ और अरुरा को अपनी ओर खींचने लगा। दरवाजा खुला और वो अपनी धुन में उसके अंदर जाती रही और उसे नजर आई एक औरत सिलाई करती हुई। उसी धुन में अरुरा ने सुई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच हुआ और अरुरा का हाथ सुई पे जा चुका। हाथों हाथ अरुरा ढेर होके गिर गई गहरी नींद में। काली परी का श्राप लाख कोशिशों के बावजूद आखिर चल ही गया। उसे सुंदर कपड़े पहना के फूलों के बिस्तर पे सुलाया गया। तभी से अरुरा को स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाने लगा। किंग और क्वीन नहीं चाहते थे कि अरुरा किसी भी तकलीफ से गुजरे, इसलिए उन्होंने सभी को सुलाने का हुक्म दिया जब तक प्रिंसेस ना जागे। बीत गए। एक दिन एक हैंडसम प्रिंस वहां से गुजर रहा था। तभी उसे ये महल दिखा जिसके सामने बहुत पेड़ और झाड़ियां उग गई थी। सिपाहियों ने उन्हें इस महल और स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बताई। प्रिंस को ये बड़ा दिलचस्प लगा और उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। झाड़ियाँ और कांटे इतने ज्यादा थे कि प्रिंस को उन्हें काट काट के रास्ता बना के आगे बढ़ना पड़ा। आखिर जब वो दरवाजे पे पहुंचे, उन्हें दो गार्ड सोते हुए मिले। दरवाजा खोल के अंदर देखते ही उनके होश उड़ गए। हर जगह सोए हुए लोग। घूमते फिरते वो राजा के कमरे तक पहुंचे। किंग और क्वीन भी अपने सोफे पे सो रहे थे। फिर एक आधे खुले दरवाजे के अंदर उन्हें दिखी वो जिसकी तलाश थी, स्लीपिंग ब्यूटी, जो एक फूलों के बिस्तर पर गहरी मीठी नींद ले रही थी। प्रिंस वहां पास में जाकर बैठे और प्रिंसेस के कानों में कहा, तो तुम ये हो वो स्लीपिंग ब्यूटी, इतनी ब्यूटीफुल हो तुम। और उन्होंने उसे माथे पे किस किया और तभी प्रिंसेस ने आंखें खोली और अपने सामने एक हैंडसम प्रिंस को पाया। उसके जागते ही कैसल में सभी जग गए अपनी 100 साल लंबी नींद से। किंग और क्वीन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़ के प्रिंसेस के रूम में गए। जब उन्हें अपनी बेटी सामने दिखी, उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रिंस ने प्रिंसेस से शादी का प्रस्ताव रखा। प्रिंसेस खुशी खुशी राजी हुई। किंग भी इस बात से बहुत खुश थे। बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी हुई और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। बहुत पहले एक लड़की थी हाइडी। उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसकी आंटी ने उसका ख्याल रखा। एक दिन वो हाइडी को लेके उसके दादाजी के पास गई, जो पहाड़ों में रहते थे। दादाजी जरा चिड़चिड़े स्वभाव के बुजुर्ग थे। वो अकेले एक छोटी सी कुटिया में रहते थे।
ये पहली बार था कि हाइडी अपने दद्दू से मिलने जा रही थी। किसी दूसरे शहर में नौकरी मिली है ऐसा कहकर आंटी हाइडी को दद्दू के पास छोड़ के चली गई। दद्दू जो इतने सालों से अकेले थे खुश थे कि उनकी पोती अब उनके साथ है, पर अपनी खुशी हाइडी को नहीं दिखाई। उन्होंने हाइडी के लिए स्टोर रूम में एक प्यारा सा बेड लगाया। हाइडी को दद्दू बड़े पसंद आए और पहाड़ियों में उसे खुशियां मिलने लगी। सुबह उठते ही उसे दद्दू ने अपने बड़े से डॉगी जोसेफ से मिलाया। एक दिन पहाड़ों में घूमते हुए उसे पीटर मिला, पीटर द शेपर्ड, जो अपनी बकरियों को घास चरा रहा था। तुम पहले कभी दिखी नहीं मुझे यहाँ। मैं कल ही आई हूँ, अब दद्दू के साथ ही रहूंगी। अगले दिन वो दोनों एक साथ पहाड़ों में घूमने फिरने लगे। हाइडी की लाइफ बड़ी मजेदार चल रही थी, उसे बहुत प्यार मिल रहा था। पीटर ने शेपर्ड बनना भी सिखाया। पूरा पूरा दिन पहाड़ियों में दौड़ा भागी करते हाइडी बहुत खुश थी, पर वो दद्दू के घर के काम में भी हाथ बटाती थी। अपने दद्दू के अवन में ब्रेड बेक करना उसका फेवरेट काम था। वो ब्रेड बना के पीटर की दादी को देती थी और बदले में पीटर की दादी उसे ताजा बकरी का दूध पिलाती थी। एक दिन गर्मी के बाद जाड़े का मौसम आ गया। पीटर के स्कूल जाने का वक्त आ गया और हाइडी अकेली हो गई। एक दिन अचानक हाइडी की आंटी उसे वापस शहर ले जाने आई, उसे घर में ही पढ़ा के काम कराने। दद्दू को ये सुनकर बहुत बुरा लगा और वो माने नहीं, पर जरा सोचने पर उन्हें लगा कि ये हाइडी के लिए अच्छा ही रहेगा कि वो शहर में पढ़ाई लिखाई करे। मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे दद्दू के पास ही रहना है। पर आंटी के ये कहने पर कि वो उसे कुछ ही दिनों में वापस ले आएंगी, हाइडी मान गई। ट्रेन में लंबा सफर तय करके वो एक महल जैसे घर में पहुंचे। वाओ, इतना बड़ा घर, मैं क्या इस घर में रहने वाली हूँ। हाइडी घर की प्यारी क्लारा से मिली। क्लारा चल नहीं पाती थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। आंटी हाइडी को यहाँ लेकर आई थी ताकि क्लारा को एक दोस्त मिल जाए। ये दोनों बहुत जल्द ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। हाइडी के ढंग अलग थे और क्लारा उसकी गलतियों का खूब मजा लेती थी। क्लारा की दादी बहुत कठोर थी। जल्दी उठो आलसी लड़कियों, पढ़ाई नहीं करनी, ऐसे ही रहोगे। क्लारा की दादी हाइडी को बहुत कुछ सिखा रही थी, जैसे ढंग से उठना बैठना और कांटे छुरी से खाना। अब हाइडी कपड़े भी शहर वालों की तरह पहनने लगी थी, पर उसमें आराम नहीं मिल रहा था उसे। क्लारा भी हाइडी को पढ़ना लिखना सिखा रही थी। हाइडी को क्लारा के साथ रहना अच्छा तो लग रहा था, पर उसे पहाड़ियों और दद्दू की बहुत याद आ रही थी। इतनी याद कि उसको खाना भी नहीं भाता था। क्लारा की दादी और पापा को हाइडी के दुख का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि उसे वापस अपने दद्दू के पास भेजना चाहिए। क्लारा उदास हो गई क्योंकि हाइडी जाने वाली थी। प्यार उसे कहते हैं जब आप किसी की खुशी चाहते हैं हर कीमत पर, दादी ने कहा। हाइडी की आंटी ने कहा कि क्लारा उसे मिलने अगले साल पहाड़ियों में आएगी। पहाड़ियों में आते ही जैसे उसको जिंदगी वापस मिल गई। वो रास्ते में पीटर के घर गई और उसकी दादी को क्लारा का दिया हुआ ब्रेड दिया। वो दौड़ के दद्दू से मिलने गई और उन्हें बड़े जोर से गले लगा लिया। हाइडी की खुशी का ठिकाना नहीं था जब उसे एक चिट्ठी मिली कि क्लारा उससे मिलने आ रही है।
क्लारा को पहाड़ियों और पीटर दोनों पसंद आए, पर पीटर जरा अनमना सा था क्योंकि उसे लग रहा था कि क्लारा हाइडी को अपने साथ वापस शहर ले जाएगी। ये तीनों मिलके बहुत मौज मस्ती कर रहे थे। पहाड़ियों की ताजी हवा, ताजे फल सब्जी क्लारा की सेहत के लिए अच्छे थे, पर पीटर को क्लारा से जलन होने लगी क्योंकि वो हाइडी की बेस्ट फ्रेंड थी। पीटर को क्लारा को व्हीलचेयर में बिठाना और घुमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसने क्लारा की व्हीलचेयर को पहाड़ से नीचे ढकेल दिया। उसे लगा कि इससे सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ताजी हवा के सहारे और बिना व्हीलचेयर के क्लारा में काफी ताकत आ गई और वो हाइडी के साथ धीरे धीरे चलने भी लगी और फिर खुद अकेले बिना किसी सहारे के चलने लगी। मैं चल रही हूँ हाइडी, ये सब तुम्हारी वजह से। एक दिन क्लारा की दादी और पापा वहां आए और वो चौंक गए। उसे चलते हुए देख उन्होंने दद्दू और हाइडी को जी भर के थैंक यू बोला। उसी समय पीटर को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने क्लारा की व्हीलचेयर को ढकेलना कबूल किया। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, बहुत गलत किया मैंने। माफ तो करेंगे ही, है ना क्लारा? भले ही तुमने गलत किया पर उसका चलना सबसे बड़ी खुशी है। सब खुशी से हंस पड़े। क्लारा और उसके परिवार ने अगले साल फिर आने का वादा किया और ये सभी एक साथ हमेशा खुश रहे। बहुत पहले तीन पिगलेट्स अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। समय आ गया था कि अब वो घर छोड़कर अपनी जिंदगी खुद बसाएं। उनकी माँ ने उन तीनों को अपने पास बुलाया। मेरे बच्चों, अब समय आ गया है कि तुम दुनिया देखो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। भूलना मत, तुम चाहे जो भी करो उसे पूरे दिल से करना। जिंदगी जीने का ये सबसे सही तरीका है। थोड़ी सी उदासी और थोड़े से उत्साह के साथ अपनी माँ से मिलके तीनों पिगलेट्स निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहाँ वो अपने घर बना सकते थे। सबसे छोटे पिगलेट ने घास से अपना घर बनाने की सोची। उसे लगा फटाफट आसानी से ये घर बन जाएगा तो खेलने को बहुत समय मिलेगा। छोटे का घर एक दिन में बनके तैयार हो गया। उसने अपने भाइयों को बोला, देखो मेरा घर बन गया। बड़े पिगलेट ने घर देख के बोला, अरे ये घर तो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है, हम भेड़ियों से कैसे बचेंगे। छोटे ने बड़े की बात को रफा दफा कर दिया, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। मंझले पिगलेट ने अपना घर लकड़ी से बनाने की सोची। जंगल से डालियां इकट्ठा करके वो अपने काम में जुट गया। तीसरे दिन मंझले का घर बन गया। ये घर घास वाले घर से तो ज्यादा टिकाऊ था। बड़े ने उसके घर को देख के बोला, तूने बड़ी मेहनत से बनाया है इसे, बड़ा सुंदर घर है ये, पर क्या हम इसमें भेड़िए से बच पाएंगे। मंझले ने बोला, बिल्कुल सुरक्षित है, क्यों टेंशन लेते हो, बाद में मत कहना कि किसी ने बोला नहीं। छोटे और मंझले जब अपने अपने घर में मजे कर रहे थे, बड़े अपना घर बनाने में जुटा था। वो ईंट पत्थरों से अपना घर बना रहा था। बाकी दोनों को लग रहा था वो बेकार ही इतना काम कर रहा था, वो बस खेल कूद के समय बिता रहे थे। जब हमारे तरह झटपट घर बन सकते हैं तो इतनी मेहनत क्यों? ही कितना डरता है ये।
बड़े ने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। पूरे 7 दिन लग के उसने अपना घर शानदार और मजबूत बनाया। अगले ही दिन एक भूखा भेड़िया उनके इलाके में आया। उसे घास का घर दिखा तो वो रुक गया। छोटा सोफे में बैठा आराम कर रहा था। भेड़िये ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा घर टिकाऊ है। भेड़िये ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर टूट गया। पर छोटा जैसे तैसे भाग निकला और दौड़ता हुआ मंझले के लकड़ी वाले घर में पहुंचा। उसके दरवाजा खटखटाते ही मंझले ने दरवाजा खोला और छोटा अंदर छुप गया। जल्दी बंद करो दरवाजा, भेड़िया आ जाएगा। घबराओ मत, इस घर में वो नहीं आ सकता। तभी भेड़िया वहां पहुंचा और उसने आवाज लगाई। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर सकते तुम। भेड़िये ने जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी और घर फिर से टूट गया। जैसे तैसे दोनों भाई वहां से निकल के बड़े के घर पहुंचे। बड़े, भेड़िया पीछे पड़ा है, क्या करे? बड़े ने उन्हें भरोसा दिलाया। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में वो भूखा भेड़िया यहाँ भी आ पहुंचा। दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। नहीं खोलोगे तो 2-4 फूंक से घर तोड़ दूंगा। कोशिश भी मत करना, कुछ नहीं कर पाओगे। भेड़िये ने गुस्से में जोर से अपने मुंह से सांस छोड़ी पर वो घर हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक ईंट भी नहीं हिला पाया। वो थक हार के उसने एक दूसरी तरकीब सोची। घर के ऊपर एक चिमनी थी, वो उस पे चढ़ने लगा। उसे चढ़ता हुआ देख उसे अंदर आने से रोकने के लिए बड़े ने फायरप्लेस में आग शुरू कर दी और एक पानी का बर्तन उस पे रख दिया। भेड़िया चिमनी के ऊपर पहुंचा और नीचे जाने लगा और सीधे उबलते हुए पानी में गिर गया। अरे बचाओ, चल गया रे, अरे बचाओ। भेड़िये को हरा कर पिगलेट्स खुशी से एक दूसरे के गले लगे। तीनों भाई अगले दिन अपनी कहानी सुनाने के लिए माँ के पास गए। छोटा सबसे पहले बोला, आपने सही कहा था, जो भी काम करो पूरे दिल से करो, दिल लगा के करो तो कामयाबी मिलेगी। उस दिन से छोटे और मंझले ने आलस छोड़ दिया, बड़े की तरह मेहनत करने लगे और हंसी खुशी जिंदगी जीते रहे।